morning students, time for SST class. Let's start today's class. For that, first see on book. Today's date is 10 September. Your subject is SST and your class is 5th, right? And the chapter we are doing is chapter 6 of unit 2 from your book. We have already understood some topic of this chapter. Now time to move to further topics. The unit we are doing 2 and the chapter we are doing is 6 and the name of the chapter is the land of hot sand. And the place we are discussing in this chapter is how we arrange. In last class we have understood introduction, मतलब कौन सी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म रेगिस्तान होता है, right? फिर हमने पढ़ा था उसके location के बारे में कि वो exactly कहाँ locate करता है, उसके north में क्या है, उसके east में क्या है, उसके south में क्या है, उसके west में क्या है. फिर हमने पढ़ा था क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, ह्यूमिड होता है, सॉरी हॉट एंड ड्राई होता है, यानी कि बहुत गर्म और सूखा होता है, राइट. सो दीज आर द टॉपिक वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट क्लास. नाउ टाइम टू मूव टू नेक्स्ट टॉपिक्स. टुडेज टॉपिक्स आर वेजिटेशन, इकोनॉमी, लाइफ ऑफ द पीपल, राइट. एंड द टॉपिक्स आर पेज नंबर 43 एंड 44. व्हेन यू ओपन योर बुक यू विल सी दिस, दिस इज योर बुक, राइट. व्हेन यू ओपन दिस यू विल सी योर चैप्टर नंबर 6, the land of hot sand, that is Saudi Arabia. And when you open page number 43, you will see your first topic on the bottom, that is vegetation. Let's start from your book. Vegetation, a very limited part of Saudi Arabia are suitable for cultivation. Basically वो vegetation का मतलब होता है कि वहाँ पर खेती बाड़ी कैसी होती है. तो जैसे कि हमने कहा कि होता है कि वहाँ पर खेती बाड़ी कैसी होती है, तो जैसे कि हमने कहा कि सऊदी अरेबिया का जो एटमोसफेयर है, जो एनवायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, सूखा होता है, इसीलिए भी यहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पर हम ज़्यादा तरीके की चीज़ों को उगा नहीं सकते. वाटर इज ऑब्टेन मेनली बाय सी, तो उन्होंने कहा है वहाँ पर जनरली वाटर का भी कोई सोर्स नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था वहाँ इंटीरियर में शहर के अंदर कोई भी नदी नहीं है, कोई भी लेक नहीं है, राइट. हमने पढ़ा था क्लाइमेट के पार्ट में, इसीलिए उन्होंने कहा है कि पानी का भी कोई सोर्स नहीं. अगर हम वो खेती बाड़ी करना भी चाहें तो कल्टिवेशन के लिए मेन रिसोर्स जो चाहिए होता है वो वाटर होता है, जो भी यहाँ अवेलेबल नहीं है. तो वहाँ पर हम बेसिकली क्या होता है, कोस्टल एरिया रेड सी अरेबियन सी से जो है आपको सॉल्ट वाटर मिलता है, जिसको डिसॉल्ट किया जाता है और फिर उसको कंज्यूम करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो वो उतना ही पानी निकाल पाते हैं कि वो डेली जो है डोमेस्टिकेट कंजम्पशन यूज़ कर सकते, उसको ऑब्जर्व कर सके, मतलब घरों तक पहुंचा सके, लोग उसको पी सके, वो कितना ही समुद्री वाले पानी को यानी कि नमक वाले पानी को पीने वाला पानी कन्वर्ट कर पाते हैं. वाटर इज ऑब्टेन मेनली बाय सी, आफ्टर डिसॉल्टिंग सी वाटर इट इज यूज फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, राइट. फिर उन्होंने कहा है कि जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होती है, पर उनके अंदर जो पानी की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है. द प्लांट्स हैविंग हाई रेजिस्टेंस एंड लेस वाटर रिक्वायरमेंट ग्रो हियर, यहाँ पे वो प्लांट बनते हैं जो कि बहुत टाइम तक रह सकते हैं, बट उनकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पे पानी है नहीं, तो वैसे प्लांट हो ही नहीं सकते जो पानी से होते हो. मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स हैव डीप रूट इन द सॉइल, जो जिस तरीके के प्लांट यहाँ पे होते हैं उनकी जो रूट होती है वो बहुत अंदर तक होती है, क्योंकि वो बहुत टाइम तक एक ही जगह पर रहते हैं, राइट. ये भी रीजन हो सकता है, हमने कहा कि हाई रेजिस्टेंस सेंटर है मक्का मदीना, जिसको हज भी कहते हैं ये लोग, अपना तीर्थ है इनका. तो वो जो मक्का मदीना है वो भी सऊदी अरेबिया में ही सिचुएटेड है. दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, तो उन्होंने कहा है कि जो तीर्थ स्थान है मुस्लिम्स का, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान मक्का मदीना में है और वही ये सऊदी अरेबिया में सिचुएटेड है. जिदा इज अ इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न साइड, तो उन्होंने कहा है कि एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट साइड है, यानी कि आपका जहाँ पे शिप रखे होते हैं वो है इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम है जिदहा, और ये वेस्ट यानी कि जो सऊदी अरेबिया है उसकी वेस्ट साइड में ये पोर्ट सिचुएटेड है, और ये इस कंट्री का इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, क्योंकि मे बी यहाँ से जो है शिप ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रेड होगा, ठीक है. रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, जैसे हमने पढ़ा था कि किंगशासा कैपिटल है कॉन्गो का, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं ग्रीनलैंड का कैपिटल है न्यूक, राइट. इसी तरीके से सऊदी अरेबिया का कैपिटल है रियाद. ऑल द सिटीज वर वेल कनेक्टेड बाय रोड्स एंड एयर रूट्स, तो उन्होंने कहा है जितने भी शहर हैं वहाँ पर वो सब जो है रोड से कनेक्टेड है, यानी कि आप इजीली एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते हो, और सब जगह जो है एयरलाइंस हैं, सब जगह एयरपोर्ट हैं, आप इजीली एयर ट्रैवल भी वहाँ पर कर सकते हो. किंग अब्दुल आजिज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द
था सऊदी अरेबिया। उन्होंने कहा है कि वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो कौन सा है, किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जिदा एंड रियाद आर द मॉडर्न सिटीज, तो दो ये मॉडर्न सिटी है सऊदी अरेबिया के अंदर। दे हैव ऑल द फैसिलिटीज फॉर लीडिंग अ कम्फर्टेबल लाइफ। तो उन्होंने कहा कि दो शहर ऐसे हैं जहाँ पर हर तरीके की बहुत सारी मात्रा में मिनरल ऑयल मिलता है। इट इज फाउंड एट अ ग्रेट डेप्थ अंडर द सैंड। जी ऑयल है, जो ये तेल है, बहुत जमीन के अंदर बहुत गहराई में जाकर मिलता है। इट इज एक्सपोर्टेड टू ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि एक सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री है जो बाकी सारे कंट्रीज को, यानी कि वो क्या कहते हैं जगहों को, वो क्या कहते हैं देशों को तेल पहुँचाता है। इंडिया ऑल्सो बाय लार्ज क्वान्टिटी ऑफ मिनरल ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो हम जो है, हमारा कंट्री जो है इंडिया भी तेल के लिए किस पर डिपेंड करता है, सऊदी अरेबिया पर डिपेंड करता है। हम बहुत सारी मात्रा में तेल जो है सऊदी अरेबिया जो कंट्री है वहाँ से लेते हैं। मैनी सिटीज हैव बीन डेवलप्ड इन द कंट्री। तो उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत सारे तरह के शहर जो हैं बट डेवलप हो चुके हैं, यानी कि प्रोग्रेस हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। देर आर मैनी ऑयल रिफाइनरीज इन सऊदी अरेबिया। बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज भी हैं सऊदी अरेबिया में। ऑयल रिफाइनरीज का मतलब होता है कि जो भी रॉ ऑयल हमने जमीन के अंदर से निकाला है उसको प्रोसेस करके कंज्यूम करने लायक बना देता है। ठीक है, जो जमीन से निकाला है वो एज इट इज हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसको ठीक करना पड़ता है, उसको फिल्टर करना पड़ता है, तब जाके वो आपका आगे यूज हो सकता है। इसलिए जो है ऑयल रिफाइनरीज वहाँ पर बहुत सारी है जहाँ पर ऑयल को प्रोसेस किया जाता है। लिखा भी आ गया वेयर क्रूड ऑयल, यानी कि जो रॉ ऑयल है, जो हमने कच्चा तेल निकाला है, उसको हम कन्वर्ट कर सकें किसमें, पेट्रोल में, जो कि हम गाड़ियों में डालते हैं, डीजल में, कैरोसिन में, एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। बेसिकली जो तेल वो जमीन के नीचे से निकालते हैं उसको प्रोसेस करते हैं अलग अलग फॉर्म में, यानी कि पेट्रोल, कैरोसिन और डीजल, और उसको आगे बेचते हैं, दूसरे देशों में बेचते हैं और उनको यूज करवाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट आर एक्सपोर्टेड टू अदर, होती है बहुत अंदर तक होती है क्योंकि वो बहुत टाइम तक एक ही जगह पर रहते हैं। राइट, ये भी रीजन हो सकता है, हमने कहा कि हाई रेजिस्टेंस होता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक वो एक जगह पे ही रहते हैं। और कोई भी प्लांट अगर बहुत लंबे समय पर एक ही जगह रहेगा तो उसका जो सॉइल है वो नीचे नीचे फैलता जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि उस प्लांट का जो है सॉइल जो होता है वो ज़्यादा डीप होता है। ओएसिस आर द परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर। डेट पाम, वीट एंड बार्ले आर प्रोड्यूस हियर। तो उन्होंने कहा है यहाँ पर किस तरीके की क्या कहते हैं उगाया जाता है। यहाँ पे एक डेट पाम होता है जिसको आप खजूर भी कहते हैं, गेहूँ यानी कि वीट और बार्ले बाजरा जो है यहाँ पर उगाया जाता है। द पीपल लेड अ सेटल्ड लाइफ। यहाँ पर भी लोग सेटल्ड लाइफ जीते हैं, यानी कि अपने घर बनाते हैं, उन घरों में रहते हैं जैसे कि हम रहते हैं। एक पर्टिकुलर जगह पे हमारा एड्रेस है, वहाँ हम रहते हैं। सेटल लाइफ का मतलब होता है पर्टिकुलर जगह पर आपका परमानेंटली रहना। द कारवांस ऑलवेज स्टे एट सच प्लेस एंड ट्रेड विद देयर विलेजेस। तो कारवांस, उन्होंने कहा है कि वो हर जगह पर होते हैं और वो कारवांस जो है ट्रेड करते हैं, यानी कि लेन देन करते हैं विलेजर्स से। कारवान का मतलब होता है एक ऐसी गाड़ी जो कि जिसमें आप सारा सामान रख सकते हो। कारवान का मतलब ये भी होता है कि जो इधर से उधर ट्रेड करते हैं उन लोगों को भी कारवान भी कहते हैं। और कारवान उन्हें भी कहते हैं जो कि गाड़ी होती है जिसके अंदर सारी फैसिलिटी होती है और उसको एक जगह से दूसरी जगह तक मूव किया जाता है किसी गाड़ी दूसरे व्हीकल की हेल्प से। राइट, सो ऑन दिस नोट आई हैव फिनिश्ड माय टॉपिक वेजिटेशन। नाउ टाइम टू मूव टू नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज इकोनॉमी एंड दैट इज ऑन पेज नंबर 43। व्हेन यू ओपन ओवर पेज नंबर 43 यू विल सी योर टॉपिक इकोनॉमी एट द टॉप ऑफ द पेज। लेट्स स्टार्ट। सऊदी अरेबिया इज अ रिच कंट्री। सऊदी अरेबिया बहुत ही अमीर एक जगह है। इट हैज द मॉडर्न सिटीज। तो दो ये मॉडर्न सिटी है सऊदी अरेबिया के अंदर। दे हैव ऑल द फैसिलिटीज फॉर लीडिंग अ कम्फर्टेबल लाइफ। तो उन्होंने कहा कि दो शहर ऐसे हैं जहाँ पर हर तरीके की सुख सुविधाएं हैं और एक जना इंसान, कोई भी इंसान वहाँ पर एक अच्छा लाइफ जो है काट सकता है। ऑल टाइप ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स आर इजिली अवेलेबल हियर। तो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का अगर आपको इक्विपमेंट चाहिए वो आपको आसानी से इन दोनों शहरों में मिल जाएगा। द स्टोर्स इन द सिटीज आर फुल ऑफ गुड क्वालिटीज टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंप्यूटर्स एंड ऑटोमोबाइल्स। तो उन्होंने कहा है कि ये तो शहर है, यहाँ पर हर चीज़ों के स्टोर्स हैं, यानी कि दुकानें हैं। चाहे आप क्या कहते हैं कपड़ा ले लो, टेक्सटाइल, ज्वेलरी ले लो यानी कि गहने, इलेक्ट्रिकल यानी कि आपके कोई भी बिजली के उपकरण, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंप्यूटर ले लो, ऑटोमोबाइल्स ले लो। पीपल इन सऊदी अरेबिया एंड ऑल्सो इन मैनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड राइटली कॉल पेट्रोलियम एज अ लिक्विड गुड। तो उन्होंने कहा है सऊदी अरेबिया के
लोग, ना कि खाली उन्होंने एक है सऊदी अरेबिया के लोग ही नहीं, बाहर भी काफी लोग जो हैं पेट्रोल को लिक्विड गोल्ड के नाम से जानते हैं। सम पीपल स्टिल लिव इन अ विलेज, कुछ लोग आज भी गांव में रहते हैं। दे हैव अ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, वो लोग जो है बिल्कुल ट्रेडिशनल यानी कि जो पुराने समय से चलता आ रहा है उसी तरीके से रहते हैं। वन सच ग्रुप ऑफ पीपल इज द बेडोइंस, यानी कि बेडोइंस एक तरीके, जैसे हमने प्रजाति पढ़ा था, पिग्मीज पढ़ा था, राइट, फिर हमने पढ़ा इनयूस यानी कि एस्किमोस। इस तरीके से सऊदी अरेबिया में जो पुरानी जाति है, मतलब पुराने तरीके से रहने वाले लोग जो गांव में रहते हैं उन्हें कहते हैं बेडोइंस, ठीक है। दे लिव इन अ डेजर्ट, वो कहाँ रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं। द बेडोइंस मूव इन अ कारवांस, कारवांस यानी कि एक ऐसी ट्रॉली होती है जिसमें वो अपना सारा सामान रखते हैं और उसे गाड़ी से खींच के ले जाते हैं। दे कैरी देयर टेंट्स बिलोंगिंग टू एनिमल्स एंड फैमिली विद देम, तो उन्होंने कहा है वो अपने सारा सामान जो है उसमें कैरी करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो यानी कि जानवर हो गए, उनका रहने का टेंट हो गया, मतलब वो एक तरीके से नोमैड लाइफ को जीते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके रहना। वी कैन पास थ्रू द डेजर्ट ऑन अ कैमल्स बैक, तो उन्होंने कहा है कि हम जो है वहाँ पर जो डेजर्ट पे हम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, कैमल के बैक पे बैठ के यानी कि ऊंट की सवारी करके हम डेजर्ट पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कैमल्स आर वेरी यूजफुल इन द डेजर्ट, कैमल जो है यानी कि ऊंट जो है बहुत ही लाभकारी होता है डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में। दे कैन ईजिली एंड क्विकली ऑन हॉट बर्निंग सैंड, तो जो हमने कहा था कि जो रेगिस्तान होते हैं वो धूप से यानी कि सर्दी के वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो ऊंट है उसको जो वो चलता है रेगिस्तान पर उसको गर्म नहीं लगता, वो ईजिली गर्म रेल पर भी चल सकता है। कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ मैनी डेज, कैमल जो है बिना पानी के बहुत सारे टाइम तक रह सकता है। थस दे आर ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसलिए उनको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, यानी कि जहाज रेगिस्तान का कहा जाता है, क्योंकि वो एक इंसान को किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और बहुत दिनों तक उसको पानी की जरूरत नहीं होती और सैंड भी उसको गर्म नहीं लगती, ठीक है। सो फॉर द टॉपिक वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास, इनफ फॉर टुडे, आई हैव टेकन द वेजिटेशन विच आई हैव कंप्लीटेड, इकोनॉमी विच आई हैव कंप्लीटेड, लाइफ ऑफ द पीपल जो है बीच में रह गया है। वी विल रीस्टार्ट दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास, होप यू लाइक योर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल रिप्लाई देयर। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।